हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय लेट्स फॉर सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने सीख लिया है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर्स को। आज हम लोग सीखेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, आज तो ये रेशनलाइजेशन होता क्या है, मतलब परिमेयीकरण क्या होता है। तो सिंपल सा इसका ये है कि जो भी अगर इरेशनल वैल्यू है डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसको रिमूव करना ही बोला जाता है रेशनलाइज करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं परिमेयीकरण। जो भी हमारा नीचे वैल्यू है एज ए डिनोमिनेटर, मतलब हर में नीचे पोर्शन जो है हमारा, यहाँ देख रहे हैं 4 है प्लस रूट 2 है, तो हमको पता है कि एक इरेशनल और इरेशनल नंबर है, तो ये टोटल नंबर वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर जो है यहाँ पर है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए, इसको इसका मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ही हम उसको रेशनलाइज करते हैं, उसका परिमेयीकरण करते हैं। बस चलते हैं पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है 1/√3 है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर रूट थ्री है, तो रूट थ्री को हमको क्या करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, जो नीचे है उसी का बस यहाँ पर सिंगल वैल्यू है, तो रूट थ्री का ऊपर और रूट थ्री का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, तुमको पता है कि हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई नीचे भी करते हैं ऊपर भी करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में भी करेंगे और न्यूमिनेटर में भी करेंगे, तब जो उसको वैल्यू कोई डिफरेंस नहीं होगा। उस मेथड से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने का ऊपर उतने का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कब, जब यहाँ पर सिंगल नंबर है तब ओनली। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर को क्या मिला, रूट थ्री अपॉन थ्री मिल गया। अब तो ये हमारा क्या हो गया, जो मेरा डिनोमिनेटर है नीचे वाला पोर्शन वो क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, मतलब वो एज ए इंटीजर हो गया। ठीक, अब इंटीजर हो गया तब इसका मतलब ये है कि ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया। अब ये इसका फैक्टर को क्या मिला, अब एक वर्ड आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये रेशनलाइज हो गया, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन फैक्टर। यहाँ हमको क्या मिला, अंडर रूट थ्री यहाँ पर क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टर है। ठीक है, रेशनलाइज फैक्टर है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक, अब चलते हैं इधर सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ हमने देखा कि 1/4 प्लस रूट टू है। अब ऐसे नंबर भी यहाँ पर दो नंबर हो गए, तो यहाँ पर जो साइन है ना, साइन बस साइन को इन्वर्स कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस होगा तो प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 माइनस रूट टू का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, एज ए डिनोमिनेटर एज ए न्यूमिनेटर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 1 का इंटू इससे होगा क्या मिलेगा हमको, 4 माइनस रूट 2 मिल जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये 4+√2 है या 4-√2 है, एक फार्मूला होता है a²-b² = a+b and a-b। ठीक, a+b a-b से अगर ओपन करेंगे तो उनको मिलेगा a²-b²। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, 4-√2 मिल जाएगा, यहाँ जाएगा 16-√2 का स्क्वायर जाएगा 2, तो 4-√2 अपॉन क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, 14। अब ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा फैक्टर था, रेशनलाइजिंग फैक्टर था, वो क्या था, 4-√2 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, √5+√2 है नीचे में, क्या करेंगे, जो यहाँ किए वही काम यहाँ कर देंगे, बस साइन को हिट कर देंगे, तो √5 - √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर तो 1 है कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा,
फाइव माइनस रूट टू अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अगेन कॉमनर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, ठीक है। यह क्या मिलेगा, रूट फाइव माइनस रूट टू ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा फाइव रूट टू, रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा फाइव माइनस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू। क्या मिलेगा हमको, रूट फाइव माइनस रूट टू अपान में थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा रियलाइजेशन फैक्टर है वो हमारा क्या है, अंडर रूट फाइव माइनस रूट टू हमारा फैक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ नाइन माइनस क्यूब रूट ऑफ थ्री प्लस वन का हमको फाइंड आउट करना है, रेगुलराइजेशन फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब वो कौन सा फैक्टर होगा जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है रेगुलराइज हो जाए, तो क्या किया जाएगा, सर इसको देखा जाए कैसे होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है आप लोगों के लेवल से, फिर भी मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ कि फ्यूचर आपको काम दे, ठीक है। अब पहले ये देखेंगे कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये अंडर रूट थ्री है, इसको थ्री होल स्क्वायर भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है, हो सकता है माइनस क्यूब रूट थ्री रूट थ्री इंटू वन, यू कैन ऐड इट प्लस वन का स्क्वायर, हो सकता है ये ऐसे लिखा जा सकता है, कोई डिफरेंस वैल्यू में हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है जाएगा थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम कंपेयर कर दें इससे, इस पोर्शन से इसको, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि ए इक्वल टू हमको दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ थ्री दिख रहा है, और बी इक्वल टू हमको दिख रहा है यहाँ पे वन, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए, ए कितना है क्यूब रूट ऑफ थ्री है और बी है वन है, इसी के फॉर्म का ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, इसी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम क्यूब रूट ऑफ थ्री, क्यूब रूट ऑफ थ्री प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या, थ्री क्यूब रूट ऑफ थ्री होल क्यूब प्लस वन का क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ थ्री का, थ्री क्यूब का थ्री से खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखेंगे, तो थ्री होल टू दी पावर थ्री पावर थ्री हो जाएगा, थ्री पहुंच जाएगा यहाँ पे प्लस वन का क्यूब वन होता है, कट जाएगा तो थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर जाएगा इसका आंसर। इसका जो फैक्टर आया वो क्या आया हमको, क्यूब रूट ऑफ थ्री प्लस वन, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ थ्री प्लस वन इसका क्या आया, रेगुलराइजिंग फैक्टर इसका आया, ठीक है। ये तो कम से कम का ही क्वेश्चन था, बट इस चैप्टर से बिलोंग करता था इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये नंबर दिया हुआ है, ऐसा बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हियर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा इसको हम सॉल्व करेंगे कि इस फॉर्म का हो जाए वो, मतलब ए माइनस बी रूट थ्री के फॉर्म का हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, फिर वहां से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको लेकर चलते हैं और इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग रेगुलराइज कर देते हैं, ठीक है।
तो क्या मिलेगा हमको, 5 प्लस 2 रूट 3 यहाँ पर है, यहाँ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, इंटू कर देंगे कितने का, 7 माइनस 4 रूट 3 का, जो यहाँ पर है उसी का साइन का अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 का, इंटू कर दिया तो क्या मिला हमको, 7 5 सा 35 हो जाएगा, माइनस प्लस 14 रूट 3, ये इंटू होगा इसे हो जाएगा माइनस 20 रूट 3, माइनस 8 इंटू 3, 4 टू 8 रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, तो 3 मिलेगा। नीचे क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस बी कितना है 4 रूट 3 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट थ्री हो जाएगा हमारा 3, हो जाएगा 48, 16 इंटू 3 इक्वल टू 48 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या मिलेगा हमको, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 35 यहाँ पर 24 मिलेगा, 35 माइनस 24 मिल जाएगा 11, और यहाँ का मिलेगा 14 माइनस 20 है तो माइनस 6 रूट 3 मिल जाएगा, नीचे में क्या है 1 है, इसका काम तो खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम a माइनस बी रूट 3 से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हमको क्या दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, और b इक्वल टू मतलब माइनस बी रूट 3 इक्वल टू हमको दिखाई दे रहा है 6 रूट, माइनस 6 रूट रूट, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, b इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, a इक्वल टू 11 हो गया और b इक्वल टू 6 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बाहर कुछ टेंशन नहीं लेने का है, बस उसको रिफ्लाइज कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ जो है हमको आगे पीछे करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके फिर जो है a और b की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर आया हुआ है, एक क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इसको, अब देखिए x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई x, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ हम ये रख दें x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब उसको इजी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू पता है, तो 1 बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये पता है इतना इक्वल टू ये है, बट 1 बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे। और अगर इसको हम यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू मिल जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी मीन 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे मिल जाएगा हमका 4, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, हो जाएगा 3 हो जाएगा 1, तो 2 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट 2 माइनस रूट 3 आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 2 माइनस रूट 3, और x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, x की वैल्यू हो गई प्लस 1 बाई x की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3 है, माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कट हो जाएगा, तो क्या मिला हमको 4 मिला, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। अब कहते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को, ठीक। अब आइए फाइंड आउट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमको ये पता चल गया यहाँ से कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको चाहेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, अगर इसको हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी से,
तो यहाँ प्लस टू एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पर क्या करिए हमने माइनस टू रिमूव कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्या करेंगे जैसे कि हम इसको अगर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, ठीक है, इतना हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा प्लस टू, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जा रहा है इसके कंपेयर में, मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस टू लगा दिया। ठीक है, इतना माइनस टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो इसकी जगह पर हम फोर फुट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा फोर का स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू सिक्सटीन माइनस टू इक्वल टू फोर्टीन, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर, अगर ये अगर आपका नहीं निकला है केवल डायरेक्ट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तब भी आपको ये निकालना पड़ेगा, मतलब वन बाई एक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है किसी को पता है? देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कुछ नहीं होगा मतलब वन हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ए बी मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, क्या मिलेगा हमको माइनस ए बी है तो एक्स एक्स कट जाएगा वन वहां पर मिलेगा। अब इसका वैल्यू ये हमको पता चल गया, अब हमको क्या पता करना है, अब ये पता क्या कि इसकी वैल्यू क्या पता है हमको है फोर पता है, और इसमें से हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी है फोर्टीन है। ठीक है, फोर्टीन है, तो क्या मिलेगा हमको यहां से फोर्टीन माइनस वन मिल जाएगा, क्योंकि तो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है फोर्टीन माइनस वन को साइड में कर देंगे तो मिल जाएगा फोर्टीन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा थर्टीन, फोर इंटू थर्टीन इक्वल टू हो जाएगा फिफ्टी टू, यही इसका आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अब तो यहां अगर हम कैसे करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, तो अब यहाँ पर किसको हम रैशनलाइज करेंगे, यहाँ के दोनों ही का हाल वही है, दोनों रूट एक्स में ही है, तो क्या करेंगे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे, एक्स प्लस टू रूट टू को सॉरी थ्री प्लस टू रूट टू को हम यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे तो देख लीजिए, अगर हम ये करें इसको हम रूट टू प्लस वन प्लस टू रूट टू लिख दें, हो सकता है ऐसा, टू प्लस वन प्लस टू रूट टू लिख दिया मैंने। अब अगर हम ये कर दें कि ये देख रहे हैं कि टू रूट टू है, अगर इसको इसका स्क्वायर कर दें, अगर ऐसा भी कोई नंबर यहाँ मिल जाए जिसका इसका भी हम स्क्वायर कर सके, ऐसे रूट टू का स्क्वायर टू ही आएगा, वन का स्क्वायर वन आएगा, हमने देखा कि ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है प्लस टू रूट टू है, इसका मतलब टू इंटू ए इंटू बी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा टू ए बी हमको यहाँ से मिल जा रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर है, हो सकता है यहाँ पे, ये आर्डिग्रामा का क्वेश्चन है ये, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस मैंने क्या किया है इसको उठा लिया है और इसी से आपका दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराया है सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ क्या है ऐसे अगर दिया है क्वेश्चन में ऑटोमेटिक ये स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, बट यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स, हमने क्या कर लिया एक्स की वैल्यू को यहाँ से हमने
फाइंड आउट कर लिया, क्या मिला हमको रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर। अब क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा रूट, रूट इसका हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो इस रूट से ऐसे ये स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तुमको क्या मिलेगा रूट टू प्लस वन माइनस यही गायब हो जाएगा वन अपॉन रूट टू प्लस वन हमको यहां से मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम केवल इसको रिफ्लाइज कर सकते हैं, इसको इसी छोड़ देते हैं, इसको रिफ्लाइज करेंगे इस पार्ट को तो क्या मिलेगा यहाँ से रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन हो जाएगा ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा दिखाई दे रहा है रूट टू प्लस वन माइनस ऊपर क्या हो जाएगा रूट टू माइनस वन, नीचे हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू मिलेगा माइनस वन, तो टू माइनस वन वन मिलेगा, खत्म हो जाएगा करने का मतलब। तो आगे मिलेगा क्या हमको रूट टू प्लस वन माइनस इन ब्रैकेट रूट टू माइनस वन हमको यहाँ से मिल जाएगा, नीचे वन हो जाएगा, इसका काम हम खत्म कर देते हैं। अब आगे क्या मिला हमको रूट टू प्लस वन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस रूट टू मिल जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, रूट टू से रूट टू कट जाएगा, हमको क्या आंसर क्या मिलेगा टू, दिखाई दे रहा है आंसर मिला हमको रूट, सॉरी आंसर मिला हमको टू, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बस आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, बहुत गर्मी लग रहा है, देख रहे हैं आप। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक भी कर लीजिएगा और जरूर वीडियो को देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये वीडियो, इस वीडियो में मैंने कुछ स्पेशल केस बताया है जो कि आप लोगों को हर जगह नहीं मिलेगा। क्या फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है ये अभी आपको पता नहीं होगा आई होप, बट आपको आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है कैसे उसको फाइंड आउट करें और किसको कहते हैं ये भी नहीं पता होगा कि फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर इस चैप्टर की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली हम। तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, सेकेंड में इसको फिनिश कर देंगे, हमको लगा कहीं फिनिश हो जाएगा लेकिन इतनी गर्मी है कि अब इसके आगे नहीं हम हो पाएगा आज। ठीक है अगले वीडियो में मिलेंगे, एक और चैप्टर है इसका रेडिकल का मतलब पावर का। ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही है, जय हिंद।